नमस्कार, वीकेबी न्यूज के खास प्रोग्राम में आपका स्वागत है, जहां आप देख रहे हैं देश प्रदेश और दुनिया से जुड़ी कुछ खास चुनिंदा खबरें, वो भी मेरे साथ। मंत्री नवाब मलिक के आरोपों की फेहरिस्त लंबी होती जा रही है और वे एनसीपी अधिकारी समीर वानखेड़े पर लगातार हमलावार होते जा रहे हैं। अब उन्होंने नया डॉक्यूमेंट पेश कर एक और सवाल खड़ा किया है, तो दूसरी तरफ सीबीआई ने बॉम्बे हाईकोर्ट में दावा किया है कि राज्य सरकार पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख के खिलाफ भ्रष्टाचार के आरोपों को लेकर जारी जांच को प्रभावित करने का प्रयास कर रही है। इस बीच जिलाधिकारियों की ओर से टीका न लगवाने वालों को राशन और पेट्रोल न देने के संबंध में जारी आदेश पर स्वास्थ्य मंत्री राजेश टोपे ने सफाई दी है। उधर मुंबई सेंट्रल रेलवे स्टेशन पर खुले पहले पॉट होटल को लेकर जमकर तारीफ हो रही है। दावा किया जा रहा है कि ये लंबी दूरी का सफर करने वाले यात्रियों को बहुत मददगार साबित होगा। वहीं पुणे स्थित सिंहगढ़ रोड में बनने वाले फ्लाईओवर को लेकर परेशानी खड़ी हो गई है। लागत अधिक होने से कारण इसमें बदलाव की उम्मीदें बढ़ गई है। प्रदेश की इन पांच बड़ी खबरों को विस्तार से जानने के लिए बने रहे हमारे साथ। महाराष्ट्र के कैबिनेट मंत्री नवाब मलिक ने अब एक नया डॉक्यूमेंट पेश किया है। यह नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के अधिकारी समीर वानखेड़े के लिए और परेशानी खड़ा कर सकती है। यह सेंट जोसेफ हाई स्कूल और सेंट पॉल हाई स्कूल का लिविंग सर्टिफिकेट है। यह दोनों सर्टिफिकेट समीर वानखेड़े के हैं। इनमें उनका पूरा नाम समीर दाऊद वानखेड़े लिखा है। याद रहे कि समीर वानखेड़े ने अदालत में नवाब मलिक के आरोपों पर सफाई देते हुए एक सर्टिफिकेट पेश किया था, जिसमें उसका नाम समीर ज्ञानदेव वानखेड़े लिखा था। उसी के जवाब में नवाब मलिक अब इन नए सर्टिफिकेट के साथ सामने आए हैं। नवाब मलिक ने समीर वानखेड़े के लिविंग सर्टिफिकेट को पेश करने के बाद एक ट्वीट किया। उन्होंने लिखा कि सच का आईना जमाने को दिखाते जाएंगे, झूठ की सारी दीवारों को गिराते जाएंगे। गौरतलब है कि क्रूज रेव पार्टी के मामले में जैसे ही मलिक ने एंट्री मारी, वानखेड़े घिरते चले गए। नवाब मलिक ने समीर वानखेड़े पर जाली सर्टिफिकेट के जरिए नौकरी हासिल करने का आरोप लगाया था। मलिक ने यह भी आरोप लगाया था कि समीर वानखेड़े का पूरा परिवार जन से ही मुस्लिम है, लेकिन उन्होंने सरकारी लाभ लेने के लिए खुद को दलित समुदाय का बताया और उससे संबंधित फर्जी सर्टिफिकेट भी बनवाए। कल ही उन्होंने वानखेड़े का बर्थ सर्टिफिकेट पेश किया था, जिसमें उनका नाम समीर ज्ञानदेव वानखेड़े दर्ज है। सीबीआई ने बॉम्बे हाईकोर्ट में दावा किया कि राज्य सरकार पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख के खिलाफ भ्रष्टाचार के आरोपों को लेकर जारी जांच को प्रभावित करने का प्रयास कर रही है। न्यायमूर्ति नितिन जामदार व न्यायमूर्ति सारंग कोतवाल की कोर्ट में सुनवाई के दौरान एडिशनल सॉलिसिटर जनरल अमन लेखी ने कहा कि इस मामले में राज्य सरकार को कोई राहत न दी जाए। गौरतलब है कि हाईकोर्ट में राज्य सरकार की ओर से सीबीआई के खिलाफ दायर याचिका पर सुनवाई चल रही है। इसमें राज्य सरकार ने इस मामले को लेकर सीबीआई की ओर से राज्य के मुख्य सचिव सीताराम कुंटे व राज्य के पुलिस महानिदेशक को जारी समन को रद्द करने की मांग की। लेखी ने कहा कि हाईकोर्ट ने सीबीआई को देशमुख से जुड़े मामले की जांच करने का निर्देश दिया। देशमुख फिलहाल मनी लॉन्ड्रिंग मामले में न्यायिक हिरासत में हैं। राज्य सरकार पूर्व मुंबई पुलिस आयुक्त परमवीर सिंह द्वारा राज्य के पूर्व मंत्री अनिल देशमुख पर लगे भ्रष्टाचार के आरोपों की जाँच करने में पूरी तरह से विफल रही है, जबकि कानून के अनुसार राज्य सरकार मामले की जाँच करने के लिए बाध्य है, लेकिन राज्य सरकार ने जाँच न करने का निर्णय लिया। यह एक तरह से जांच को कुंठित करने का प्रयास है। वहीं राज्य सरकार की ओर से पैरवी कर रहे वरिष्ठ अधिवक्ता डेरिस खंबाटा ने कहा कि राज्य सरकार इस मामले की निष्पक्ष जांच के पक्ष में है, लेकिन सीबीआई जांच निष्पक्ष नजर नहीं आ रही। राज्य के कुछ जिलों में जिलाधिकारियों ने टीका न लगवाने वालों को राशन और पेट्रोल न देने के संबंध में आदेश जारी किया। उद्देश्य टीकाकरण बढ़ाना है। इसे लेकर बवाल मचने लगा तो प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री राजेश टोपे ने स्पष्ट किया कि राज्य सरकार ने कोरोना रोधी टीका न लगवाने वाले लोगों को सरकारी राशन दुकानों पर राशन और पेट्रोल पंपों पर पेट्रोल न देने के संबंध में कोई अधिकृत आदेश जारी नहीं किया है। लोगों के लिए टीकाकरण अनिवार्य नहीं बल्कि ऐच्छिक है। सरकार की ओर से टीका नहीं लगवाने वालों को अनाज और पेट्रोल की आपूर्ति रोकने के संबंध में कोई आदेश अथवा अधिसूचना जारी नहीं की गई है। टोपे ने कहा कि टीकाकरण एक राष्ट्रीय कार्यक्रम है, इसीलिए लोगों को टीका लगवाने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, हर प्रदेश के मुख्यमंत्री, धार्मिक गुरु अपील कर रहे हैं। राज्य में 80% तक टीकाकरण हुआ है, लेकिन कुछ लोगों को अभी भी टीके के बारे में गलतफहमी है। इस गलतफहमी को दूर करने के लिए अलग अलग माध्यम से प्रयास किया जा रहा है।
इसी के तहत मुंबई मनपा के आयुक्त इकबाल सिंह चहल ने सलमान से लोगों को टीका लगवाने की अपील का वीडियो जारी करने का आग्रह किया था, जिसे लेकर भाजपा के अनेक लोग सवाल उठा रहे हैं। टोपे ने कहा कि सलमान किसी धर्म का नेतृत्व नहीं कर रहे, अभिनेता किसी धर्म और जाति का नहीं होते हैं, सलमान एक लोकप्रिय अभिनेता है। भारतीय रेल ने मुंबई सेंट्रल रेलवे स्टेशन पर अपना पहला पॉड होटल खोला है। यह होटल आधुनिक सुविधाओं से लैस और सस्ती दरों पर उपलब्ध है। होटल की सुविधाओं से लंबी दूरी का सफर करने वाले यात्रियों को बहुत मदद मिलेगी। ट्रेन से सफर के बाद आधुनिक सुविधाओं से युक्त होटल को ढूंढने के लिए भटकना नहीं पड़ेगा। करीब 3000 वर्ग फुट में फैले इस पॉड होटल में कुल 48 कमरे हैं, जिन्हें क्लासिक, लेडीज और प्राइवेट पॉड की 3 श्रेणियों में बांटा गया है। 12 घंटे के लिए पॉड होटल की बुकिंग के लिए कम से कम 999 रुपये खर्च करने पड़ेंगे। इसका एक दिन का अधिकतम किराया 2999 रुपये तक हो सकता है। बनाए गए पॉड में 40 आम लोगों के लिए, 7 महिलाओं के लिए और 1 विकलांग के लिए बनाया गया है। इसमें 4 सदस्यों वाले परिवार के लिए फैमिली पॉड भी है। कैप्सूल होटल या पॉड होटल की शुरुआत जापान में हुई थी। यह कम खर्च में लोगों को रात बिताने और आराम करने के लिए एक बेहतर विकल्प होता है। मुंबई सेंट्रल स्टेशन की पहली मंजिल पर बनाए गए पॉड होटल में सोने के लिए बेड के साथ मुफ्त वाईफाई और कॉमन एरिया में सामान कक्ष, प्रसाधन, वॉशरूम आदि की सुविधा है। इसके अलावा लोगों को टीवी, छोटे लॉकर, आईने, एयर कंडीशनर, रीडिंग लाइट आदि की भी सुविधा होगी। IRCTC और अर्बन पॉड होटल्स ने मिलकर इसकी शुरुआत की है। पुणे स्थित सिंहगढ़ रोड में बनने वाले फ्लाईओवर की रचना में बदलाव कर 2 मंजिली फ्लाईओवर बनाने का निर्देश केंद्रीय सड़क परिवहन व हाईवे मंत्री नितिन गडकरी ने दिए थे। यहां पर मलेशियन टेक्नोलॉजी का सिंहगढ़ रोड इस्तेमाल करना मुश्किल होने की जानकारी सामने आई। उसका इस्तेमाल करने पर करीब 25 करोड़ रुपये खर्च बढ़ जाएगा। ऐसे में गडकरी द्वारा दिए गए विकल्प के बजाय मनपा पहले से तय प्लान के मुताबिक काम करेगी। इसकी तैयारी मनपा ने शुरू कर दी है। धायरी, वड़गांव, खड़क, वासला, हिंगने, नरहे जैसे क्षेत्र में जाने वाले नागरिकों के लिए वैकल्पिक मार्ग नहीं होने की वजह से सिंहगढ़ पर भारी ट्रैफिक जाम लगता है। इस जाम से बचने के लिए राजाराम पुल से फन टाइम थिएटर तक फ्लाईओवर बनाया जाएगा। इसका भूमि पूजन नितिन गडकरी के हाथों सितंबर महीने में किया गया था, लेकिन गडकरी ने कहा था कि इस फ्लाईओवर को और अच्छे तरीके से बनाया जा सकता है। पिछले महीने महापौर मुरलीधर माहौल ने बैठक कर समीक्षा की। गडकरी के प्रस्ताव पर राजाराम पुल से फन टाइम थिएटर तक मनपा ने एक फ्लाईओवर बनाना प्रस्तावित किया था, जिस पर 118 करोड़ रुपए का खर्च आंका गया था। अब स्टडी में सामने आया कि सड़क पर 118 करोड़ में 2 मंजिली फ्लाईओवर बनाना संभव नहीं है और मलेशियन टेक्नोलॉजी यहां उपयुक्त साबित नहीं होगी। प्रकाश पर्व के पूर्व करतारपुर कॉरिडोर खुलने से श्रद्धालुओं में उत्साह है। पंजाब के मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी के नेतृत्व में राज्य कैबिनेट के मंत्री और वरिष्ठ अधिकारियों का दल वहां जा रहा है। पंजाब कांग्रेस के अध्यक्ष नवजोत सिंह सिद्धू को उनके साथ करतारपुर जाने की अनुमति नहीं मिली है। दूसरी तरफ दिल्ली में अवैध रूप से रह रहे विदेशियों को पुलिस खदेड़ने की तैयारी में है। पुलिस का कहना है कि अनेक ड्रग्स, देह व्यापार रैकेट समेत ठगी में संलिप्त है। इस बीच लखनऊ की एक अदालत ने हरियाणवी डांसर सपना चौधरी के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी किया है, तो उत्तर प्रदेश शिया वक्फ बोर्ड के पूर्व अध्यक्ष वसीम रिजवी के खिलाफ हैदराबाद में मामला दर्ज किया गया है। अपनी किताब मुहम्मद को लेकर वे फिर विवादों में हैं। उधर हरियाणा के गुरुग्राम में नमाज पढ़ने में हो रही परेशानियों को देखते हुए गुरुद्वारे के एक स्थानीय संघ ने घोषणा की है कि वह गुरुद्वारे में नमाज पढ़ने की अनुमति देगा। देश की इन 5 बड़ी और ताजा तरीन खबरों को विस्तार से जानने के लिए बने रहे हमारे साथ। पंजाब के मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी के नेतृत्व में राज्य कैबिनेट के मंत्री और वरिष्ठ अधिकारियों का दल कॉरिडोर होकर गुरुद्वारा श्री करतारपुर साहिब जाएगा। पंजाब कांग्रेस के अध्यक्ष नवजोत सिंह सिद्धू को करतारपुर जाने की अनुमति नहीं मिली है। पहले के कार्यक्रम के अनुसार उन्हें भी चन्नी और मंत्रियों के साथ करतारपुर साहिब जाना था। वह 20 नवंबर को श्री करतारपुर साहिब जाएंगे। सिद्धू के मीडिया सलाहकार जगतार सिद्धू ने बताया कि कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष के सारे दस्तावेज पूरे थे, लेकिन उन्हें गुरुवार की बजाय 20 नवंबर को करतारपुर साहिब जाने की अनुमति मिली है। याद रहे, इमरान खान के पाकिस्तान के प्रधानमंत्री बनने के बाद नवजोत सिंह सिद्धू पाकिस्तान गए थे। तब सिद्धू पाकिस्तानी सेना के प्रमुख जावेद बाजवा से गले मिलने के कारण सुर्खियों में आए थे। आज करतारपुर कॉरिडोर से करीब 250 श्रद्धालुओं को पाकिस्तान स्थित गुरुद्वारा श्री करतारपुर साहिब जाने की अनुमति दी जाएगी।
इन श्रद्धालुओं को कोरोना टेस्ट की रिपोर्ट और वैक्सीन की डोज लेने का सर्टिफिकेट दिखाने के बाद ही आगे जाने दिया जाएगा। सुबह से करतारपुर कॉरिडोर पहुंचने वाले श्रद्धालुओं का कोरोना टेस्ट किया जा रहा है और उनको पल्स पोलियो दवा की बूंदें पिलाने के बाद ही जाने दिया जा रहा है। देश की राजधानी दिल्ली में अब अवैध रूप से विदेशी नागरिक नहीं रह पाएंगे। वीजा की अवधि समाप्त हो जाने के बाद भी बड़ी संख्या में विदेशी नागरिक दिल्ली के विभिन्न इलाकों में अवैध रूप से रह रहे हैं। इनमें से अनेक ड्रग्स, देह व्यापार रैकेट समेत ठगी में संलिप्त होते हैं। सूत्रों के मुताबिक करीब 4000 विदेशी नागरिक अवैध रूप से रह रहे हैं। अब दिल्ली पुलिस ने ऐसे विदेशी नागरिकों पर नकेल कसना शुरू कर दिया है। विदेशी क्षेत्रीय पंजीकरण कार्यालय से विदेशी नागरिकों की सूची मांग कर उन्हें ढूंढा जा रहा है। जिनकी वीजा अवधि खत्म हो चुकी है उन्हें पुलिस FRRO के समक्ष पेश कर वापस उनके देश भेजने की कवायद में जुटी हुई है। विदेशी नागरिकों पर नजर रखने के लिए स्पेशल ब्रांच में एक नई यूनिट का गठन कर दिया गया है। डेढ़ माह पूर्व द्वारका में एक नाइजीरियाई की मौत के बाद जमकर बवाल हुआ था। अस्पताल में मृतक के साथियों ने पुलिसकर्मियों पर हमला बोल दिया था, फिर थाने पहुंचकर जमकर तोड़फोड़ की थी। पुलिस ने कड़ी कार्रवाई करते हुए 70 नाइजीरियाई नागरिकों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर गिरफ्तार कर लिया था। जांच में सामने आया कि अधिकतर अवैध गतिविधियों में लिप्त थे और उनके वीजा की अवधि खत्म हो चुकी थी। लखनऊ की एक अदालत ने मशहूर नृत्यांगना सपना चौधरी के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी किया है। ये वारंट उनके एक कार्यक्रम को मनमाने तरीके से रद्द करने और टिकट खरीदने वालों को उनका रुपया वापस नहीं करने के मामले में जारी किया गया है। मामले की अगली सुनवाई 22 नवंबर को होगी। दरोगा फिरोज खान ने 14 अक्टूबर 2018 को इस सिलसिले में आशियाना थाने में मुकदमा दर्ज कराया था। इस मुकदमे में सपना के अलावा कार्यक्रम के आयोजक जुनेद अहमद, नवीन शर्मा, इवाद अली, अमित पांडे और रत्नाकर उपाध्याय को भी आरोपी बनाया गया था। आरोप है कि हरियाणवी डांसर सपना चौधरी का 13 अक्टूबर 2018 को स्मृति उपवन में दोपहर 3 बजे से रात 10 बजे तक सपना समेत अन्य कलाकारों का प्रोग्राम था, जिसके लिए प्रति व्यक्ति 300 रुपए में ऑनलाइन व ऑफलाइन टिकट बेचा गया था। कार्यक्रम के लिए स्मृति उपवन में हजारों की संख्या में लोग आए थे, लेकिन जब सपना रात 10 बजे तक कार्यक्रम स्थल पर नहीं पहुंची तो भीड़ ने टिकट का धन वापस देने की मांग को लेकर हंगामा किया था। हालांकि उन्हें पैसे वापस नहीं किए गए। अदालत इस प्रकरण में मामला खत्म करने के अनुरोध वाली सपना चौधरी की डिस्चार्ज याचिका को पहले ही खारिज कर चुकी थी। अब अदालत सपना और इस मामले के अन्य अभियुक्तों के खिलाफ आरोप तय करेगी। उत्तर प्रदेश शिया वक्फ बोर्ड के पूर्व अध्यक्ष वसीम रिजवी अपनी किताब मुहम्मद को लेकर निशाने पर है। ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमी के प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी द्वारा दायर एक शिकायत के आधार पर रिजवी के खिलाफ हैदराबाद में मामला दर्ज किया गया है। आरोप है कि पैगंबर मोहम्मद पर लिखी इस किताब में आपत्तिजनक बयानों का इस्तेमाल किया गया है। ओवैसी ने एक बयान में कहा कि हिंदी में लिखी गई पुस्तक में इस्लाम धर्म और पैगंबर के अनुयायियों के खिलाफ आपत्तिजनक भाषा का उपयोग किया गया है। याद रहे वसीम रिजवी ने गाजियाबाद में डासना के महाकाली मंदिर में दर्शन करने के बाद महंत यति नरसिंह आनंद सरस्वती से अपनी विवादित किताब मोहम्मद का विमोचन कराया था। उनका दावा है कि इस्लाम दुनिया में क्यों आया और इतना आतंकवादी विचार क्यों रखता है, इसी बात को यह किताब उजागर करती है। वसीम रिजवी कुरान की आयतें हटाने की याचिका से भी विवादों में रहे थे। उन्होंने कुरान की 26वीं आयतों को हटाने के लिए सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की थी। उनका तर्क था कि कुरान की 26 आयतें आतंकवाद को बढ़ावा देने वाली है। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले को खारिज कर दिया था। शीर्ष कोर्ट ने रिजवी पर 50,000 रुपए का जुर्माना भी लगाया था। हरियाणा के गुरुग्राम में दक्षिणपंथी संगठनों और कुछ स्थानीय निवासियों के विरोध के कारण इन दिनों नमाज पढ़ने के सार्वजनिक स्थलों की संख्या घटा दी गई है। इसके बाद गुरुद्वारे के एक स्थानीय संघ ने घोषणा की है कि वह गुरुद्वारे में नमाज पढ़ने की अनुमति देगा। कोविड प्रोटोकॉल से समझौता किए बिना छोटे समूहों में नमाज पढ़ी जा सकती है। समिति के हैरी सिंधु ने कहा कि खुले इलाकों में नमाज के विरोध के बारे में जानकर बहुत दुख हुआ। हमारे गुरुद्वारों के दरवाजे हमेशा सबके लिए खुले हैं। अगर मुसलमानों को जुमे की नमाज के लिए जगह खोजने में समस्या हो रही है तो उनका गुरुद्वारे में नमाज अदा करने के लिए स्वागत है। प्रत्येक गुरुद्वारे में एक समय में हजारों लोगों को समायोजित करने की क्षमता है, लेकिन वे केवल छोटे समूहों को ही कोविड मानदंडों के कारण अनुमति दे रहे हैं। समिति के एक अन्य सदस्य शेरदिल सिंह ने कहा कि गुरुद्वारा गुरु का दरबार होता है, जहां कोई भी आकर प्रार्थना कर सकता है। जो कोई हमारे आस्था और विश्वास के बावजूद नमाज अदा करना चाहता है उसका वे स्वागत करेंगे। मुस्लिम राष्ट्रीय मंच के अध्यक्ष खुर्शीद रजाका ने पहल का स्वागत करते हुए कहा कि सभी को सिख समुदाय से प्रेरणा लेनी चाहिए। अतीत में भी ऐसे उदाहरण हैं जहां मुसलमानों ने अन्य समुदायों के धार्मिक स्थलों पर नमाज अदा की है। भारत पाकिस्तान के बीच जारी शीत युद्ध के बीच अब इनके बंटवारे से जुड़े कुछ ऐतिहासिक दस्तावेजों पर भी बहस छिड़ी है। यहां तक कि ये मामला ब्रिटिश ट्राइब्यूनल तक जा पहुंचा है। इस बीच बाइडेन प्रशासन US स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व को जारी करने पर विचार कर रहा है।
अगर ऐसा हुआ तो दुनिया भर में पेट्रोल डीजल के बेकाबू दाम पर अंकुश लगाना आसान हो जाएगा। उधर अमेरिकी संसद कैपिटल हिल पर हुए हमलों में एक शख्स को 41 महीने जेल की सजा सुनाई गई है। संघीय जज ने यह सजा सुनाई है। तो तालिबान ने अलकायदा और पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI से करीबी रखने वाले कारी बरयाल को काबुल का गवर्नर नियुक्त किया है। भारत के लिए ये परेशान करने वाली खबर है। इसके अलावा हैरान परेशान करने वाली खबर यह भी है कि चीन ने अपने बॉर्डर से लगे भूटान में करीब 25,000 एकड़ क्षेत्र पर अवैध कब्जा कर लिया है। चीन ने यहां अवैध रूप से 4 गांव भी बसा दिए हैं। दुनिया भर की इन 5 बड़ी खबरों को जानने के लिए बने रहे हमारे साथ। आजादी के 75 साल बाद ब्रिटेन में भारत पाकिस्तान बंटवारे से जुड़े कुछ ऐतिहासिक दस्तावेजों पर बहस छिड़ी है। मामला ब्रिटिश ट्राइब्यूनल में पहुंचा और विवाद में केंद्र में है माउंटेन बेटन पेपर्स, जिसमें उनकी निजी डायरियां भी शामिल हैं। सवाल उठ रहे हैं कि क्या तत्कालीन गवर्नर जनरल लॉर्ड माउंट बेटन ने भारत पाकिस्तान को बांटने के लिए खींची गई लकीर को प्रभावित किया था। माउंट बेटन पर खिताब लिखने वाले ब्रिटिश लेखक एंड्रयू लोनी ने माउंट बेटन पेपर्स को पूरी तरह सार्वजनिक करने की मांग को लेकर ट्रिब्यूनल का रुख किया। मांग की गई कि लॉर्ड माउंट बेटन और लेडी माउंट बेटन के बीच हुए पत्राचार समेत सभी प्राइवेट डायरियों को सार्वजनिक किया जाए। उन्होंने लेडी माउंट बेटन और पंडित जवाहरलाल नेहरू के बीच पत्राचार को भी सार्वजनिक करने की मांग की। लेखक एंड्रयू लोनी की प्रतिनिधि हैमर के अनुसार माउंट बेटन की डायरी में 12 जुलाई 1947 की एंट्री बताती है कि उन्होंने ब्रिटिश जज सर सिरियल रेडक्लिफ और क्रिस्टोफर ब्यूमोमेंट के साथ डिनर किया था। रेडक्लिफ बाउंड्री कमीशन के अध्यक्ष थे और ब्यूमोंट इसके सेक्रेटरी। इसी कमीशन ने भारत पाकिस्तान को बांटने वाली लाइन खींची थी, जिसे रेडक्लिफ लाइन यानी रेडक्लिफ रेखा कहा जाता है। हैमर ने सवाल उठाए कि भारत और पाकिस्तान की आज़ादी से सिर्फ 8-9 दिन पहले 6 अगस्त 1947 और उसके बाद की डायरी एंट्री में बदलाव क्यों किया गया। महंगाई में पेट्रोल डीजल के दाम रोज तड़का लगा रहे हैं। भारत ही नहीं पूरी दुनिया परेशान है। केंद्र सरकार ने दिवाली से एक दिन पहले पेट्रोल और डीजल पर एक्साइज ड्यूटी में राहत दी थी। इसके बाद अधिकांश राज्यों ने भी पेट्रोल डीजल पर लगने वाले वैट में कटौती की थी, लेकिन अब भी देश में पेट्रोल की कीमत 100 रुपये प्रति लीटर और डीजल की 90 रुपये प्रति लीटर के आसपास है। इसे लेकर राज्य और केंद्र सरकार में ठनी है। अपने हिस्से को कोई छोड़ना नहीं चाहता और आम जनता महंगाई की मार से कराह रही है। अमेरिका में भी पेट्रोल डीजल की बढ़ती कीमतों से लोग परेशान हैं। अब बाइडेन प्रशासन इस पर लगाम लगाने के लिए US स्ट्रैटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व को जारी करने पर विचार कर रहा है। इसे बाइडेन प्रशासन को 2022 में होने वाले मिड टर्म इलेक्शन से पहले आलोचकों का मुंह बंद करने का मौका मिल जाएगा। बता दें कि अमेरिका के अलावा 29 देशों के पास स्ट्रैटेजिक तेल भंडार है। इनमें ब्रिटेन, जर्मनी, जापान और ऑस्ट्रेलिया शामिल हैं। ये देश 90 दिन के नेट ऑयल इंपोर्ट के बराबर इमरजेंसी रिजर्व रख सकते हैं। चीन और अमेरिका के बाद जापान के पास सबसे बड़ा इमरजेंसी तेल भंडार है। अगर ये देश अपने रणनीतिक तेल भंडार को रिलीज करते हैं तो इससे पूरी दुनिया में पेट्रोल डीजल की कीमतों में कमी आ सकती है। अमेरिकी संसद कैपिटल हिल पर हुए हमलों में अपनी भूमिका के लिए एक शख्स को 41 महीने जेल की सजा सुनाई गई। संघीय जज ने क्यूएन शामन को दंगों में उसकी भूमिका के लिए यह सजा सुनाई। 6 जनवरी को आई तस्वीरों और वीडियो में क्यूएन शामन को अजीबोगरीब पहनावे और सिंह वाली टोपी में देखा जा सकता है। अभियोजकों ने अमेरिकी जिला जज रॉयस लैबर्ट से जैकब चांसले को 51 महीने की सजा देने के लिए कहा गया था। जनवरी में बाइडेन को आधिकारिक रूप से राष्ट्रपति बनाने की प्रक्रिया के दौरान बड़ी संख्या में डोनाल्ड ट्रंप समर्थकों ने कैपिटल हिल पर हमला बोल दिया था। दुनिया भर में इस कृत्य के लिए ट्रंप की आलोचना हुई थी। कई वैश्विक नेताओं ने इसे दुनिया के सबसे पुराने लोकतंत्र के इतिहास में काला दिन करार दिया था। अभियोजकों ने कहा कि चांसले अब कैपिटल हिल दंगों का सार्वजनिक चेहरा बन चुके हैं। चांसले को मिली सजा 100 से अधिक आरोपियों के लिए एक बेंचमार्क सेट करती है, जिन पर 6 जनवरी को दंगों के आरोप लगाए गए। हिंसा में 4 लोगों की मौत हुई थी और 140 पुलिसकर्मी घायल हुए थे। चांसले को जनवरी में हिरासत में लिया गया था। वह गहरे हरे रंग के जेल जंपसूट में दाढ़ी और मुंडे सिर के साथ अदालत में पेश हुए थे। चांसले के वकीलों ने जज से उनके मुवक्किल के लिए समय की सजा के लिए कहा था। काबुल में भारतीय दूतावास पर हमला करने वाले आतंकी को तालिबान ने अब अफगानिस्तान की राजधानी का नया गवर्नर नियुक्त किया है।
अलकायदा और पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI से करीबी रखने वाले कारी बरियाल को काबुल का गवर्नर नियुक्त करने का फैसला संभवतः भारत के पक्ष में नहीं जाएगा। माना जाता है कि बरियाल की पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी इंटर सर्विसेज इंटेलिजेंस यानी ISI और उसके सहयोगी गुटों से करीबी रिश्ते रहे हैं। बरियाल और उसका नेटवर्क पाकिस्तान से हथियार, विस्फोटक और आत्मघाती दस्तों को काबुल तक पहुंचाने का काम करते रहे हैं। बता दें कि बरियाल ऐसा दूसरा बड़ा नाम है जिसे काबुल पर हमला करने के बाद तालिबान की तरफ से नियुक्त किया गया। बरियाल को लगातार ईरान के विद्रोही गुट की तरफ से हमलों को अंजाम देने के लिए पैसे मिलते रहते हैं। इतना ही नहीं, बरियाल का नेटवर्क इतना मजबूत है कि वह अक्सर तालिबान, अलकायदा, इस्लामिक मूवमेंट ऑफ उज़्बेकिस्तान, इस्लामिक जिहाद यूनियन, तुर्किस्तान इस्लामिक पार्टी और हिज्ब इस्लामी गुलबुद्दीन जैसे संगठनों के लड़ाकों से काबुल में हमले करवाता रहा है। भारत सरकार के शीर्ष सूत्रों के मुताबिक यह फैसला नई दिल्ली को पसंद नहीं आया। संभवतः यह नियुक्त भारत और तालिबान के बीच पहले से तनावपूर्ण रिश्तों के लिए और संकट पैदा कर सकती है। एशियाई महादेश में अपने प्रभुत्व को कायम रखने के लिए चीन की हड़प नीति लगातार जारी है। एक रिपोर्ट के अनुसार चीन ने अपने बॉर्डर से लगे भूटान में करीब 25,000 एकड़ क्षेत्र पर अवैध कब्जा कर लिया है। इतना ही नहीं, चीन ने यहां अवैध रूप से 4 गांव भी बसा दिए। ये सभी नए गांव लगभग 100 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र में फैले हुए दिखाई दे रहे हैं। भूटान का ये विवादित भूमि डोकलम पठार के पास स्थित है, जहाँ 2017 में भारत और चीन का आमना सामना हुआ था। भूटान और चीन के बीच जमीन को लेकर पुराना विवाद है। दोनों देशों का दावा है कि यह जमीन उनकी है। रिपोर्ट के अनुसार चीन के मनमाने तरीके से इस विवादित जमीन के बड़े हिस्से पर पिछले एक साल मई 2020 से लेकर नवंबर 2021 में निर्माण कार्य शुरू करते हुए अब तक 4 गांव बसा डाले। आश्चर्य की बात यह है कि यह मामला ऐसे समय में सामने आया जब हाल ही में चीन और भूटान ने एक सीमा समझौता पर हस्ताक्षर किए। इसके पहले भूटान को अपनी भूमि की सीमाओं पर फिर से बातचीत करने के लिए लगातार चीनी दबाव का सामना करना पड़ा। हालांकि इस समझौते की रूपरेखा को पूरी तरह से कभी भी स्पष्ट नहीं किया गया और यह देखा जाना बाकी है कि क्या इसकी धरती पर इन नए गांवों का निर्माण इस समझौते का हिस्सा है। भूटान की जमीन पर नया निर्माण भारत के लिए विशेष रूप से चिंताजनक है, क्योंकि भारत ने ऐतिहासिक रूप से भूटान को अपनी विदेश संबंध नीति पर सलाह दी है और अपने सशस्त्र बलों को प्रशिक्षित करने के लिए कहा है। तो आज की इस खास पेशकश में बस इतना ही। आपसे कल फिर मुलाकात होगी। तब तक देखते रहिए VKB News। नमस्कार।